हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं एवाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो हाल ही में जिसका रिजल्ट आया है और जैसे ही कल इंग्लिश का पेपर जो कैंसिल किया गया है उसके बाद से पूरे मध्य प्रदेश में मचा हुआ है घमासान। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो पीवी ने ऐलान किया है कि जिनका रिजल्ट आया है, जो लोग क्वालिफाइड है, जो मेरिट में है, उनके लगभग भर्ती प्रक्रिया में 2 से 3 माह का समय लग जाएगा, क्योंकि जो शिक्षक संवर्ग हैं उनके जो ट्रांसफर होने हैं और जो पदोन्नति होनी है उसके पश्चात, उनका ये सब पदोन्नति होने के पश्चात और वो अपना जब शिफ्ट हो जाएंगे उसके पश्चात मालूम पड़ेगा कि कितने पद कहाँ पे खाली हैं। उसके पश्चात जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भर्ती किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसके पश्चात मैं आपको एक और बात बता दूं कि वर्तमान में जो समग्र शिक्षक संघ है वो आंदोलन कर रहा है कि इस पर जो भर्ती प्रक्रिया है, ये जो वर्तमान में हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो रिजल्ट आया है इसको पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया जाए। पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि जो पीईबी है वो केवल द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं उनका ही आयोजन कर सकता है, यानी कि उनकी जो भर्ती की जो परीक्षा है वही आयोजित कर सकता है। उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो पात्रता परीक्षा है वो केवल लोक सेवा आयोग ले सकता है, क्योंकि वो एक राजपत्रित पद है और इसलिए सभी इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने फैसला लिया है कि इसके लिए हम कोर्ट जाएंगे और इसमें जो 10% जो जनरल के लिए जो आरक्षण है उसका भी यहाँ पर पालन नहीं किया गया है। तो ये सभी यहाँ पर विवाद खड़े हो गए हैं और बड़े जमकर इसकी आलोचना हो रही है और जो समग्र शिक्षक संघ है वो यहाँ पर कह रहा है कि हम जो 5 सितंबर का जो शिक्षक दिवस होता है उसमें हम अनशन के तौर पर ये उसको मनाएंगे और एक आंदोलन के तौर पर मनाएंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार इन हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम सामूहिक त्याग पत्र देंगे और न्यायालय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से हम इस पात्रता परीक्षा को पूरा का पूरा रद्द करवाएंगे। तो ये फ्रेंड्स कुछ चीजें हैं जो वर्तमान में ट्रेंड में चल रही हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि किसी किसी पेपर में 30-30 क्वेश्चन को कट कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। उसके पश्चात जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड थे पहले अब वो डिसक्वालीफाई हो गए हैं, तो एक बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। वैसे भी आप देखते हैं किसी भी पात्रता परीक्षा में 5 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं गलत हो जाएं, लेकिन अगर कहीं पर 20 से 30 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है। तो ये फ्रेंड्स सभी समस्याएं वर्तमान में चल रही हैं और यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।